हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज हम इस वीडियो में आपको अपडेट देंगे। गुड़गांव रियल एस्टेट में एक ट्रेंड बड़ा छिड़ा हुआ है। वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि प्रोजेक्ट आपका आने वाला है, आप ईओआई दे दो। आखिर ये ईओआई कब तक जाएंगी, कब तक डेवलपर जो है कस्टमर को बेवकूफ बनाएगा, उसके ऊपर ही आज हमारी वीडियो रहेगी। उसमें मैं कुछ अपनी साइड से आपको दो तीन पॉइंट रखूंगा जो एक राइट वे में रहेंगे। यदि आपको लगे रॉन्ग वे में है तो वैसे भी आप मुझे बता सकते हैं, और कस्टमर के हक में राइट वे में है वैसे भी बता सकते हैं। और यदि आपको लगे कि मैं डेवलपर के हिसाब से या कस्टमर के हिसाब से सही या गलत बोल रहा हूँ, वैसे भी आप चीजें बता सकते हैं। तो अभी चीजें क्या चल रही हैं? ईओआई दे दो। ईओआई देने के बाद जो है 6 महीने वेट कर लो। 6 महीने वेट करने के बाद जब आप ईओआई दे रहे हैं तो डेवलपर रेट बोल रहा है जी 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हम अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे, और जब ईओआई ज्यादा हो जाती है तो बोलते हैं जी 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। उसमें कस्टमर को लॉस कहाँ हो रहा है? सपोज डैट के जब कस्टमर ने 12,000 रुपये का रेट सुन के ईओआई दी, हो सकता था कि जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसमें ईओआई ना दे के कोई प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें रेडी टू पजेशन है, या जहां भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 100% फुलफिल हो रही है वहां पे अपना घर ले सकता था। लेकिन ईओआई देने के चक्कर में जहां 12,000 के चक्कर में रेट 16,000 होगा, और जहां रेट 10,000 मिलना था वो भी 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा, तो तकरीबन 2,500 रुपये का घाटा होगा केवल ईओआई देने के चक्कर में। लेकिन इसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? इसका बेनिफिट उठा रहा है डेवलपर। वो कैसे उठा रहा है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितने भी चैनल पार्टनर हैं, ब्रोकर हैं, सारे चैनल पार्टनरों को डेवलपर बोलेगा कि भाई ईओआई उठा लो, ईओआई उठा लो। अपनी तरफ से जो है एक भी रुपया मार्केटिंग में खर्च नहीं करेगा, और सारा खर्चा कौन करेगा, सारे मेहनत कौन करेगा? चैनल पार्टनर करेंगे। 6-6 महीने जो है मेहनत करेंगे, ईओआई उठाएंगे। सपोज डैट के 100 यूनिट है, 100 यूनिट के अगेंस्ट जो है 600 ईओआई उठा ली, और रेट बोला था 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन जब 600 ईओआई दिखाई दी, ढेर लगा दिखाई दिया, तो डेवलपर सीधा बोलता है जी 16,000 रुपये का रेट है, और ना कोई मार्केटिंग करी, और केवल ब्रोकर की मेहनत पे। और फिर क्या है, आपको मजबूरन लेना पड़ता है क्योंकि पहला भी आपने मौका गवा दिया, और उसमें से 500 से कैंसिल होनी ही है यदि एक्चुअल में सारी ही ईओआई ठीक है। बाकी तो ऐसा भी होती है, आधे जबरदस्ती दे देते, कोई नहीं मेरी चेकबुक में 5 चेक खाली पड़े हुए हैं, दे दिए, कोई नहीं डेवलपर के पास में जो है इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, या आपको समझाने का उद्देश्य ये ही है, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो पहले वेट करें रेरा का। और आजकल क्या है, डेवलपर ना रेरा लेके आ रहा है, ना कोई सैंपल फ्लैट है, ना जब आप घर लेने जा रहे हो ये पता है 7वें 8वें फ्लोर पे आपको कौन सी फेसिंग मिल रही है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, तो कोई ना तो आपको फेसिंग का पता चल रहा है, ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई टावल आपको अपनी मर्जी के हिसाब से मिल रहा है, ना ही आपको ये पता चल रहा है आपके अपार्टमेंट पे फ्लोर पे धूप आएगी या नहीं आएगी, आप पैसा भी खर्च कर रहे हो। तो ये चीजें आज गुड़गांव मार्केट में हो रही हैं। और डेवलपर क्या है, अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए क्या बोलते हैं कि हमने तो लैंड आज ही खरीदी है जी, और रेट जो है उसी हिसाब से हम मार्केट में लेके आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गुड़गांव के अंदर देख लो, जो अफोर्डेबल फ्लैट बिकते हैं 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है कार्पेट एरिया पे बिकते हैं, 1,200 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है बैल्कनी पे बिकते हैं। यानी कि वो जो डेवलपर सेल कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ बचा रहा है, ऐसे तो नहीं है खाली पीले में वो आपको बना के दे रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बना के दे रहा है, तो वो भी पैसे बचा रहा है कार्पेट एरिया पे, मायवान कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और यहाँ पे लग्जरी में करके आ रहे हैं, लग्जरी के नाम पे आपको सुपर एरिया पे दे रहे हैं, आप प्राइस भी दुनिया भर का बढ़ा के दे रहे हैं, और वहां पे आप देखेंगे लोडिंग भी आपकी जो है लगभग 40-50% तक लोडिंग पहुंचने लगी आज की डेट में, तो कमर्शियल जितनी लोडिंग आपको काट के दे रहे हैं क्योंकि सैंपल तो बना ही नहीं रहे, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चीजें कैसे हैं। तो ये चीजें का सुधार कैसे हो सकता है उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं। उस पर ये है कि डेवलपर जैसे पहले चाहे सिग्नेचर ले लो या कोई भी ले लो, सिग्नेचर पहले रेरा लेके आता था, फिर सैंपल फ्लैट बना देते, और सैंपल फ्लैट बनाने के बाद कस्टमर आते थे अपने फैमिली के साथ में विजिट करते थे, सारी चीजें अच्छी लगती थी, उन्हें धूप चाहिए तो धूप फेसिंग फ्लैट लेते थे, और ईस्ट वेस्ट या कोई भी डायरेक्शन में चाहिए तो वो ही फेसिंग का फ्लैट लेते थे, और तब जाके चेक देते थे। आज क्या है, दुनिया भर के चेक आ गए जी, जो मर्जी बच रहा है उसको ले लो। अभी हाल फिलहाल में चीजें क्या हुई है, एक डेवलपर का यदि मैं नाम लेता हूँ, सिग्नेचर ग्लोबल, सोना रोड पे अपना प्रोजेक्ट लेके आया था, ना तो सोना है, ना गुड़गांव है, ना कोई सेक्टर है, आर्जन लैंड है, तो ईओआई उठा ली दुनिया भर की।
भाई आप हम जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं 1 करोड़ 50 लाख से लगा के 1 करोड़ 70 लाख के बीच में रहेगा। फिर उनको जी 3 फ्लोर आ रहे हैं, फिर 4 फ्लोर आ रहे हैं, इस तरह की मार्केटिंग होती दे रही, इस तरह की जो है कस्टमर को बोलते रहे 3 फ्लोर है तो महंगा रहेगा। लेकिन जब 3 फ्लोर आए फिर उसके बाद 4 फ्लोर भी पास हो गए, लेकिन प्राइस का क्या आया, 2 करोड़ 5 लाख रुपए निकल के, वो भी एक दीनदयाल फ्लोर का। आज नौबत ये है, 700 यूनिट जो है डेवलपर के पास में बची हुई है, कोई खासा प्रोजेक्ट नहीं बिका है, तो आप देख सकते हैं कितना रेट लेकर आए। और दूसरी चीजें ये हैं, जैसे मैं आपसे जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था कि भाई डेवलपर ये बोलते हैं हमने लैंड अभी ली है, उसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अफोर्डेबल वाला, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। डेवलपर कम से कम 15 से 20 साल पहले लैंड लेके रखते हैं, चाहे वो सोना की हो चाहे गुड़गांव की है, तब जाके चीजें निकलती है। और यदि इसका एक न्यू एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो न्यू एग्जाम्पल इसका ये भी है, यदि हैंड टू हैंड लैंड खरीदते हैं तो उसका भी इतना महंगा रेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि सेक्टर 89 में गोदरेज का प्रोजेक्ट आया था, गोदरेज जेनिट का जब प्रोजेक्ट आया था, हीरो से लैंड खरीदी थी उन्होंने और एक अच्छे खासे प्राइस पर जो है लैंड खरीदी थी, लेकिन रेट फिर भी क्या लेकर आए, ठीक ठाक रेट लेकर आए थे 13,300 का। और हाँ, उसी रोड के ऊपर सिग्नेचर 20,000 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की बात करता है, और जो कि सिग्नेचर की लैंड बहुत पहले से पड़ी है। तो ये चीजें कहाँ तक जस्टिफिकेशन देंगे, कहाँ तक चीजें सही हैं? तो मेरा मानना ये है, यदि आप चैनल पार्टनर के रूप से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ब्रोकर के रूप से वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को आवाज उठाएं, क्योंकि यदि आप चैनल पार्टनर ब्रोकर के हिसाब से चीजें देख रहे हैं, सपोज डैट के आपने मेहनत करी, 6 महीने पहले आपने मेहनत करी कि भाई मैं 6 महीने पहले ईओआई उठा रहा हूँ, फिर मेरा 12,000 का ही रेट आएगा, और जब मेरी बुकिंग लगेगी, मैंने इस क्लाइंट की जो है इस कस्टमर की बुकिंग उठाई हुई है, मेरी बुकिंग लगेगी, 30% पेमेंट जाएगी, फिर बिल लगेगा, फिर पैसे आएंगे, फिर मेरा घर चलेगा। लेकिन वो सारी चीजों पर पानी फिर जाता है एट द टाइम जब रेट 16,000 या 20,000 का आ जाता है, आपकी मेहनत बिल्कुल खराब हो रही है। डेवलपर एक चीज क्या बोलने लगा, हमारा तो प्रोजेक्ट सर 1 दिन में सोल्ड आउट हो गया, हमारा तो प्रोजेक्ट आधे घंटे में सोल्ड आउट हो गया, हमारा तो प्रोजेक्ट 2 दिन में सोल्ड आउट हो गया। डेवलपर जो है आपकी मेहनत का क्रेडिट जो है खुद ले लेता है, आपको मेहनत का क्रेडिट जो है वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही बेकार है, आपकी ईओआई भी गई, बिल भी गए, सारी मेहनत बेकार होगी, तो इसका कुछ आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यही है कि जो ईओआई है वो धंधा बंद करें और अपना जो है पहले रेरा लेके आओ, सैंपल बनाओ और उसी हिसाब से चीजें करें। क्योंकि आज भी देखेंगे जो दुनिया भर के प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में, सभी के अंदर भर भर के यूनिट पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है जी यूनिट की मारा मारी थी या एक दो प्रोजेक्ट में, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो सब में भर भर के इन्वेंट्रिया पड़ी हुई, चाहे 3 BHK चाहे 4 BHK, सब में अच्छी तरीके से इन्वेंट्रिया पड़ी हुई है। तो ये थी आज की कंप्लीटली वीडियो में डिटेल। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में एक और वीडियो में आपको लेके दूंगा कि गुड़गांव में क्या प्राइस और बढ़ेंगे और कितनी पॉपुलेशन गुड़गांव में हर महीने या साल में बढ़ने वाली है, इस पे जो है हमारी सर्चिंग चल रही है, तो ये वीडियो जरूर आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद, जय श्री राम।